गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सब फाइन हो गए। टुडे वी विल लर्न स्टैंडर्ड 4 हिंदी चैप्टर नंबर 6, साग सब्जी मतलब वेजिटेबल्स। खाते हो ना आप लोग वेजिटेबल्स? आपको भी कुछ वेजिटेबल अच्छे नहीं लगते होंगे, है ना? मुझे भी अच्छे नहीं लगते। कोई नहीं, हम आज देखते वेजिटेबल्स के नाम, ठीक है? आपको हिंदी में पता होगा तो इंग्लिश में पता नहीं होगा, और इंग्लिश में होगा तो हिंदी में नहीं। तो चलो हम देखते हैं, ठीक है? रेडिश, रेडिश मीन्स मूली। देखिए आपने मूली कैसी होती है, वाइट कलर की। कैरेट, कैरेट मीन्स गाजर। गाजर देखा है आपने, मूली के जैसा ही होता है लेकिन कलर उसका अलग होता है। ऑरेंज। पोटैटो, पोटैटो मीन्स आलू। आलू का तो सबको पता होगा, पता है ना? क्यों? क्योंकि आलू के सब्जी सबको पसंद होती है। ग्रीन पीस, ग्रीन पीस मीन्स मटर। वो कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। कैबेज, पत्ता गोभी, वो कैसे कलर की होती है पता है आपको? ग्रीन भी होती है और वाइट भी होती है। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी। वो कैसा होता है? वो ऊपर से वाइट होता है और उसके नीचे जो उसके पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। गर्ड, लौकी। लौकी देखी आपने, उसका हलवा भी खाया होगा। ब्रिंजल, ब्रिंजल मीन्स बैंगन, जो किसी को अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता ना? लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर मीन्स भिंडी। वो कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की। टोमेटो, टमाटर। चिली मिर्च। बिटर गर्ड, करेला। अच्छा लगता है? नहीं लगता। क्यों? वो कैसा लगता है? वो कड़वा होता है इसलिए अच्छा नहीं लगता है। नाम तो हमने देख लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज है। प्रत्येक चित्र के सामने उसका नाम कोष्ठक से चुनकर लिखिए। फूलगोभी, करेला, बैंगन, मटर, आलू, भिंडी, लौकी, मूली। क्या यहाँ पे आपको एक कोष्ठक दिया है जिसमें से आपको ये सब नेम लिखने हैं, तो मैं जितने भी नेम बोली वो सब नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट किसका पिक्चर है? ब्रिंजल, ब्रिंजल मीन्स बैंगन, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बैंगन। सेकंड करेला, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? करेला। आपको ऐसे पिक्चर दिया है और पिक्चर के सामने ऐसे लाइन दी है, तो आपको यहाँ पे ऊपर नहीं लिखना है, नीचे लिखना है। बैंगन, समझे आप? उसके नीचे पोटैटो, आलू, लेडीज फिंगर, भिंडी, कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, रेडिश, मूली, गर्ड, लौकी एंड ग्रीन पीस, मटर। समझ में आ गया? नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।